आज जो हमारा घोषणा पत्र जिसको कल हम लोगों ने दिल्ली में मुख्यालय पर औपचारिक रूप से जनता को प्रस्तुत किया था, आज जयपुर के माध्यम से पूरे देश भर में जन जन तक हमारा घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचे, इस इरादे को लेकर यहां पर आए हैं। आप सभी जानते हो इस चुनाव के अंदर ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है। और 10 साल से इस देश में जो वातावरण बना है, 10 साल से केंद्र की सरकार ने जानबूझकर तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का जो काम किया है, ये इस बात का चुनाव है कि 10 साल से जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे साहब का। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने पहली बार ये घोषणा करी कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP की लीगल गारंटी देंगे, किसानों को एक कानून अधिकार मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र है, महिला, नौजवान, श्रमिक, हर वर्ग को साधने का हम लोगों ने किया है। ये चुनाव देश के लिए निर्णायक चुनाव है। आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब तमाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचे। जब तक हमें काम नहीं करेंगे और चुनाव बूथ पे नहीं लड़ेंगे तब तक हम अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। विधानसभा चुनावों में थोड़ी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दोबारा मौका हम लोगों को मिला है। राजस्थान से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा। और 2004 में भाजपा ने घमंड और अहंकार में प्रचार किया था इंडिया शाइनिंग का, आज 20 साल बाद वही होगा जब सोनिया जी के नेतृत्व में 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 24 में भी पलटफेर होगा, NDA हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले चुनाव प्रचार में हम दमखम के साथ हमारे तमाम 25 के 25 लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।